हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, दिस इज ओमकरनाथ एंड यू आर वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ TVS स्टार सिटी प्लस, जो कि एक माइलेज ओरिएंटेड बाइक होने के साथ सच बजट फ्रेंडली भी है। फिलहाल आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स। लगभग बाइक लिए हुए मेरा आधा घंटा से ऊपर हो चुका है और मैं इस बाइक की टेस्ट राइड ले रहा हूँ और फिलहाल कहीं एक शांत सी जगह पे चलते हैं, उसके बाद इसके फुल डिटेल्ड रिव्यू देते हैं। और वैसे इस बाइक को चलाने में मेरे को बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, क्योंकि सिटिंग पोस्चर जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। और उसी के साथ अभी आप देख ही सकते हो मैं 80 के स्पीड से क्रूज़ कर रहा हूँ और गाड़ी में मेरे को थोड़ा भी वाइब्रेशन फील नहीं हो रहा है। इस बाइक को रिव्यू करने में करण ऑटोमोबाइल्स ने हमारी मदद किया था, ऑल थैंक्स गोज टू द करण ऑटोमोबाइल्स फॉर हेल्पिंग मी आउट। तो अगर आपको भी इस बाइक की टेस्ट राइड चाहिए या फिर TVS की और कोई बाइक की टेस्ट राइड चाहिए तो आप शोरूम पे विजिट कर सकते हो। शोरूम का पूरा डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस बाइक की एक ओवरऑल रिव्यू आपको दे देते हैं, ताकि आपको समझ में आए ये बाइक आपको लिए सुइटेबल है कि नहीं। स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट में आपको LED हेडलैम्प के साथ हैलोजन इंडिकेटर्स देखने को मिल जाती है और उसी के साथ आपको यहाँ पे एक TVS का बैचिंग भी देखने को मिल जाती है। उसके ठीक नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको नंबर प्लेट होल्डर भी देखने को मिल जाती है। तो अगर सस्पेंशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेलीस्कोपिक ऑयल डैम्पर सस्पेंशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। उसके ठीक नीचे आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाती है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो TVS स्टार सिटी प्लस है वो दो वेरिएंट में आता है, एक डिस्क और दूसरा ड्रम वेरिएंट। उसके ठीक नीचे आपको यहाँ पे एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाती है और एलॉय व्हील्स के साथ यहाँ पे आपको 2.75 की 17 इंचेस वाली ट्यूब टायर देखने को मिल जाती है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे गौर करोगे तो यहाँ पे आपको 10 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है और उसी के साथ आपको शायद 2 लीटर का रिजर्व फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी देखने को मिलती है। तो अगर इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको डिजिटल प्लस एनालॉग इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देखने को मिल जाती है, जहाँ पे आपको स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर और फ्यूल मीटर देखने को मिल जाती है। और उसी के साथ अगर आप यहाँ पे गौर करोगे तो यहाँ पे आपको सर्विस रिमाइंडर इंडिकेटर लाइट देखने को मिल जाती है, और तो और यहाँ पे आपको न्यूट्रल इंडिकेटर लाइट, लो बीम, हाई बीम और लेफ्ट राइट इंडिकेटर लाइट भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और तो उसी के साथ आपको यहाँ पे साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर के साथ इंजन मालफंक्शन इंडिकेटर लाइट भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। हैंडल बार के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो ये आपका लेफ्ट हैंडल बार में आपको पासिंग स्विच, लो बीम, हाई बीम, लेफ्ट राइट इंडिकेटर और यहाँ पे आपको हॉर्न स्विच देखने को मिल जाती है। और उसी के साथ अगर राइट हैंडल बार के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक स्टार्ट बटन देखने को मिल जाती है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक स्टार्ट बटन के साथ साथ यहाँ पे आपको किक स्टार्ट का फैसिलिटीज भी दिया जा रहा है। तो फिलहाल अगर TVS स्टार सिटी प्लस के इंजन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको 109.7 सीसी की सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक एयर कूल्ड V6 कंप्लायंट इंजन देखने को मिल जाती है, जहाँ पे आपको 8.27 BHP की मैक्सिमम पावर और 8.7 न्यूटन मीटर की मैक्सिमम टॉर्क भी देखने को मिल जाती है। और तो और अगर गियर बॉक्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आपको 4 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन वाला गियर बॉक्स देखने को मिल जाती है। और अगर गियर शिफ्टिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो हर एक गियर आपको आप ही देखने को मिल जाती है। रियर सस्पेंशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन देखने को मिल जाती है, और उसी के साथ आपको यहाँ पे साड़ी गार्ड और लेडीज फुटरेस्ट भी देखने को मिल जाती है। और TVS स्टार सिटी प्लस की चेन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लोज चेन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है और यहाँ पे आपको बॉक्स टाइम स्विंगम भी देखने को मिल जाती है। अगर पीछे की तरफ गौर करोगे तो यहाँ पे आपको हैलोजन टेल लैंप के साथ हैलोजन इंडिकेटर्स भी देखने को मिल जाती है, और तो और यहाँ पे आपको एक रिफ्लेक्टर भी देखने को मिल जाती है। रियर ब्रेक के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो पीछे आपको ड्रम ब्रेक दिया गया है और पीछे भी आपको एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाती है, जहाँ पे आपको 3.0 की 17 इंचेस वाली ट्यूब टायर यूज किया गया है रियर व्हील में। एग्जॉस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो इको थ्रस्ट वाला एग्जॉस्ट देखने को मिलती है। तो फिलहाल मैं आप लोगों को एग्जॉस्ट नोट भी सुना देता हूँ। ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूँ कि यहाँ पे आपको साइड स्टैंड इंजन कटअप वाला सेंसर भी देखने को मिल जाती है, और तो और यहाँ पे आपको डबल स्टैंड भी देखने को मिल जाती है, और तो और यहाँ पे आपको मिरर भी देखने को मिलती है जो कि प्री इंस्टॉल आता है। तो ये रहा TVS स्टार सिटी प्लस का एक शॉर्ट टर्म रिव्यू। तो फिलहाल प्राइसिंग और कलर कॉम्बिनेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं
तो मैं आज शोरूम से नाजमुल भाई को लेकर आया हूँ। इसका इन्फॉर्मेशन आपको नाजमुल भाई देंगे। तो नाजमुल भाई, ये जो गाड़ी है ये कितने कलर कॉम्बिनेशन के साथ आती है? इसमें आपको दो तीन कलर में आता है। एक तो डिक्स में मिल जाएगा, ड्यूअल टोन कलर मिल जाएगा, और रेड ब्लैक ब्लू ब्लू ब्लैक ऐसे भी मिल जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, आपका डिक्स और ड्रम वेरिएंट में कलर कॉम्बिनेशन भी थोड़ा डिफर करता है? डिफर करता है। ओके ओके ओके। डिक्स में थोड़ा प्राइस थोड़ा ज़्यादा रहेगा, ड्रम में थोड़ा सा कम रहेगा। तो फिलहाल प्राइसिंग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्राइसिंग अप्रोक्स जो ड्रम ब्रेक रहेगा उसका 72,055 रुपीज ऐसे आ जाएगा। एक शोरूम प्राइस। ओके। और डिक्स में आ जाएगा अप्रोक्स 78,500 ऐसे आ जाएगा अप्रोक्स। ओके। तो फिलहाल ओवरऑल आई थिंक हम लोगों ने सब कुछ कवर कर लिया है। फिर भी अगर कोई टॉपिक रह जाता है तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना, ताकि हम आप लोगों को रिप्लाई दे सके, और कमेंट नजमुल भाई भी पढ़ते हैं, तो फिर बेझिझक होके आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो फिलहाल वीडियो को मैं यहीं पे एंड करने वाला हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दियो लाइक, चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दियो सब्सक्राइब। तो फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।